तो बोर्ड मास क्या है आपका, तो बोर्ड मास जैसे बोर्ड मास फिर उनके हिसाब से अपने को क्या सॉल्व करना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, फिर आप फिर डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये प्रायोरिटी है, इस प्रायोरिटी के बेसिस पे ही हम इसको सॉल्व करना है। तो पहले आप देख रहे हैं क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो चलिए देखिए क्या है, इसको आप इजीली सिंपलेस्ट करते रहिए, 4 बन जाए 4, 4 प्लस वो 3 7 हो जाएगा। मीन्स हम करते क्या है, पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 4 बन जाए 4, फिर इसमें ऐड कर देंगे तो 4 प्लस 3 7, तो हो गया 7/4 माइनस, जैसे है वैसे लिख दीजिए, इसको भी सिंपलेस्ट कर लेते हैं, 8 3 24 प्लस 1 25/8 डिवाइड बाय, इसको जैसे है वैसे लिख दिया आपने, 6 माइनस। अब ये ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 टू जा 8 और 3 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 4 टू जा 8 प्लस 3 11 बाय 4, ठीक है, माइनस 11 बाय 12, ओके। अब यहां पे 7 बाय 4 वैसे ही रहेगा, माइनस 25 बाय 8 हो गया डिवाइड 6 माइनस, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा एलसीएम 12। अब यहां पे 4 है तो कितने का मल्टीप्लाई किया आपने, किया 3 का, तो इधर भी 3 का, राइट, तो इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 जा 33 माइनस 11 ब्रैकेट क्लोज, आगे नेक्स्ट 7 बाई 4 माइनस 25 बाई 8 डिवाइड बाई 6 माइनस, इसको सॉल्व करना है, राइट, तो ये ब्रैकेट में है तो आप ब्रैकेट निकाल भी सकते हैं यहां पे, तो पहले देखिए ऐसे था, अब 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2 डिवाइड बाई 12, तो आप यहां तक आगे इसको सिंपलेस्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने काट दिया 2 से, तो 2 6 जा 12 एंड 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा। अब 7 बाय 4 माइनस 25 बाय 8 डिवाइड बाय 6 माइनस, अब यहां पे आप लिख सकते हैं 11 बाय 6, तो 11 बाय 6 हमने कर दिया, ठीक है, अब आप एक ही ब्रैकेट लगाएंगे तो भी चलेगा। अब यहां पे एलसीएम लेंगे तो हम डायरेक्ट ले रहे हैं 6 6 जा 36 माइनस 11 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 6 6 जा 36 माइनस 11 और दोनों के नीचे 6 हो जाएगा, राइट। अब 7 बाय 4 माइनस 25 बाय 8, राइट, और ये है डिवाइड, तो डिवाइड को आप क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड लिख सकते हैं। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर 6 चला जाएगा और नीचे 36 माइनस 11 करेंगे तो 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 1 2, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने क्या किया, डिवाइड था तो मल्टीप्लाइड किया, तो जैसे ही मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मीन 6 ऊपर चला गया और ये माइनस कर दिया आपने तो 6 ऊपर, 6 माइनस 1 5 हो गया और 3 माइनस 1 2 हो गया, 25 हो गया। अब यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 बाई 4 हो गया माइनस, जैसे है वैसे ही रहेगा, इसको सॉल्व आपको करना है, तो यहां से सिंपलेस्ट करेंगे तो ये से कट गया 1 4, इसको काटेंगे तो 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, राइट, तो यहां पे ब्रैकेट में कोई जरूरत नहीं है, बचा क्या 7 बाई 4 माइनस, यहां पे बचा 3 और यहां पे बचा 4, क्लियर,
अब क्या करेंगे, दोनों के नीचे 4 है तो एलसीएम 4 ही होगा। अब 7 माइनस 3 4, अब कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1 बाई 1 मीन्स 1। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आया 1। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर रियल में पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।